जय श्री कृष्ण, वेलकम शंकर भगवान। मैंने सोचा था ना, उससे भी मस्त बन गई पिक्चर मेरी। तो पिछले 10 साल में ना पूरे स्टार परिवार में इतना बड़ा काम किसी ने भी नहीं किया होगा। एक मिनट, टाइम प्लीज। हेलो, अरे सॉरी सॉरी पार्वती माँ, आप? हरिओम हरिओम। कौन? मानव और करिश्मा? अच्छा हाँ बोलिए ना। अच्छा, इट मीन्स कि वो त्योहारों का त्योहार होने वाला है, उसकी सारी छुपी हुई बातें मानव और करिश्मा पता कर लेंगे। लवली, पार्वती मैम मुझको लगता है मानव है ना, वो ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेगा। हाँ आपकी बात भी सही है, करिश्मा भी कुछ कम नहीं है, बहुत साणी है वो। लेकिन उन लोग को है ना अंदर अंदर झगड़म झगड़े नहीं करने चाहिए, सुमड़ी में जाके माहिती सब इंफॉर्मेशन पता कर लेनी चाहिए। वो लोग देख रहे हैं मुझको अभी। किधर है करिश्मा? मनो किधर छुपा है? लुच्चा बाहर आ जा। नहीं है इधर, टीवी में देख रहे हैं मुझको सामने। हाँ जय श्री कृष्ण मानव, जय श्री कृष्ण करिश्मा। अच्छा सुनो, अभी है ना तुम लोग जानकारी हासिल करो वो त्योहारों को त्योहार की, लेकिन सुमड़ी में किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए और अंदर अंदर झगड़म झगड़े नहीं, ठीक है? और मुझको बताना कौन ज्यादा हासिल करता है, ठीक है? ओके मानव, तू जरा संभाल के। हाँ चलो, ऑल द बेस्ट ऑफ लक, बाय। ऑलराइट बाय। चलो मुझे जाना होगा। अरे जाना होगा मतलब? मतलब ये कि तुमने देखा नहीं अभी त्योहारों के त्योहारों को लेकर कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट, और जब एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो तो सोचो कितना बड़ा हंगामा होगा। ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? ये जो हंगामा होगा, ये जो धमाल होगी, उसके पीछे भी कुछ कुछ कहानियां होंगी। उन कहानियों को इकट्ठा करने, जासूसी करने जा रहा हूं मैं। एक्सक्यूज मी, वो काम मेरा है। तुम्हारा? तुम कितनी स्वीट हो। थैंक यू। कितनी ब्यूटीफुल हो। तुम घर पे बैठो, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है जासूसी करना, लड़कों का काम। शायद तुम भूल चुके हो कि जो ये स्टार परिवार की असली ताकत है ना, वो लड़कियां होती है। ठीक है फिर देख लेते हैं किसके हाथ ज्यादा लंबे हैं और कान ज्यादा तेज। ठीक है देख लेंगे, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरे खबरियों ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरे खबरी तो बहुत सारा काम कर चुके हैं। अच्छा जैसे? जैसे क्या तुम जानती हो, इस बार स्टार परिवार एंथम बदल चुका है। नया स्टार परिवार एंथम बन रहा है, और इसे बनाया है प्रीतम ने, और इसे गाया है श्रेया घोषाल और केके ने। ये देखो उसकी एक झलक। हे बाजे डम डम डम, हे बाजे डम डम डम। हाँ हाँ हाँ, चली चली खुशियों की फिर से लहर है, डूबा डूबा मस्ती में देखो घर घर है, धूम मची है फिर तेरे मेरे अंगना हो। मिल रे फिल दिल मिल गए रे, याद में बरत सज दिल जल गए रे, आया त्योहारों का त्योहार स्टार परिवार। माई मेन अटेंशन इज मेलोडी। इसमें जो सिंगर्स है वो पर्टिकुलरली दोनों का ही वॉइस काफी फोकस है, और स्टार परिवार में काफी स्वीट कैरेक्टर्स होगा मेरे को मालूम है, उसके लिए श्रेया। हाँ हाँ हाँ, चली चली खुशियों की फिर से लहर है, डूबा डूबा मस्ती में देखो घर घर है, धूम मची है फिर तेरे मेरे अंगना हो। एक चीज तो है जो इस बार भी चेंज नहीं हुआ है, और वो है स्टार परिवार का न्यूमनिक, जो मैं 7 साल पहले किया था वो न्यूमनिक की मैं फॉलो किया हूँ। नया गाना बनाने के लिए मेरे को बोला गया, और उत्सव का एक फील है, एक मजा का फील है, एक सेलिब्रेशन का फीलिंग है, उसके ऊपर गाना है ये, और एक इमोशनल बॉन्डिंग का गाना से एक फास्ट पेपीस सेलिब्रेशन वाला गाना। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद है। वाह वाह, तुम्हारे खबरी तो काफी अच्छी खबर लाया है, लेकिन वो ये बताना भूल गए हैं कि जो गीत का वीडियो है ना, उसे शूट करने के लिए पूरा स्टार परिवार इकट्ठा हुआ था,
और वहाँ जो धमाल और मस्ती हुई है उसकी खबर तो मेरे खबरी ही ला सकते हैं। उसकी झलक देखो। बाजे चली चली खुशियों की फिर से लहर है, डूबा डूबा मस्ती में देखो घर घर है, धूम मची है फिर तेरे मेरी अंगना। दिल मिल गए रे, यादों की बाराते सज दिए जल गए रे, आया त्योहारों का त्योहार स्टार परिवार। रंगे हम आपको तो आए थे, देखिए आपके रंग में रंग गए, चंद लम्हे चुराने आए थे आपके प्यार में हम ही बन गए। ओ, 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 ओ बरसों जो बरसा है प्यार यूं बरसे, भीगेरे भीगेरे कोई प्यार न डर से, आया त्योहारों का त्योहार स्टार परिवार। इन लम्हों के दामन में बाकी जैसे रिश्ते हैं। तुम्हारे जो खबरी है वो सिर्फ नाम की खबरी, उन्हें ये भी नहीं पता था कि जब ये वीडियो शूट हो रहा था तब मेरे खबरी भी वहां पर मौजूद थे। वो लोग स्टार परिवार की जोड़ियों से पर्सनली मिले, और जो उन जोड़ियों ने कभी भी स्क्रीन पर नहीं किया था वो हमारे साथ बिल्कुल बिंदास होकर शेयर किया। ये देखो भैया, देखो हम गए, देखे में तो ठीक ठाक लगे, हमें सुंदर नहीं चाहिए था, हमको हिम्मती चाहिए जो ठाकुर साहब का परिवार चला सके, ठाकुर साहब को झेल सके। तो हम निकाल के रिवॉल्वर दे दिया, बेटा चलाओ, चला के दिखाओ, मार दिया धाय से हमको जियो। फिर निकाला हम दुनाली, हम कही भर के चलाओ, चला दिया, झटका बिल्कुल नहीं लगा। फिर उनको 315 की राइफल दिए, तो बाद में बोले पटन टैंक भी चलवाओगे का, हम कहने उस पर बैठ के बारात लेके आएंगे, समझे। तो इनको तब हम ब्याह के अपने यहाँ ले गए। अभी ठकुराइन है, अन्नपूर्णा है, पूरे घर का सब देखे रहते हैं, लेकिन कब को जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो खम्भा वम्भा हम नहीं ढूंढते, हमें नहीं नोच लेते। मेरी पसंद की एक चीज ऑर्किड फ्लावर्स। अच्छा ये बताओ कि ईशान को एक चीज जो बहुत प्यारी है, उसकी स्कूटर। करेक्ट। One thing सुहाना hates कि सुबह सुबह उसको ज्यादा गर्म कॉफी नहीं चाहिए, मीडियम कॉफी चाहिए। अच्छा one thing that ईशान hates। Actually he's such a sweet guy, he doesn't hate anything, वो हर चीज को खुली बाहों से एक्सेप्ट कर लेता है। How diplomatic। One thing ईशान hates, उसको नहीं पसंद कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के घर में या कहीं भी जाए। कोई ऐसी एक चीज जो तुम्हें सुहाना में बहुत पसंद है? उसका बचपना, क्योंकि वो जब भी गुस्से में होती है रोती है, फिर भी एक बच्चा छुपा हुआ है उसके अंदर। ऐसी एक चीज जो आपको ईशान में बहुत पसंद है? वेरी अंडरस्टैंडिंग। इन लम्हों के दामन में। लेकिन व्हाटएवर, मेरे खबरी ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नहीं लाती। स्टार परिवार जब साथ आया है तो प्यार का मौसम साथ लाया है। कुछ लोग जो दिल की बात नहीं कह पाते वो आज उन्होंने कह दी। देखो इन्होंने मुझे ढंग से प्रपोज नहीं किया है आज तक। आज कैमरा के सामने नैतिक अक्षरा को बहुत प्यार से प्रपोज करें। तो अक्षरा अपना हाथ दीजिए ना। ये लीजिए अक्षरा, आप से मुझे बहुत प्यार है और मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी विदाउट एनी मोर टेंशन ऐसे चलती रहे, जहाँ हम लोग लड़ाई ना करें। दिस रिंग इज फॉर इटर्निटी, जब हम लोग टिल द एंड ऑफ टाइम जिसे कहते हैं, जब तक हम दोनों एक दूसरे प्यार करते रहेंगे। तो ये रहा, और इस तरह हमारी जोड़ी लोगों को और पसंद आती रहे। हम का सोच रहे थे कि घर में बैठ बैठ के बोर हो गए, आदर से शादी कर रहे हैं। अब जा रहे हैं उनके पास, पूछेंगे। हम एक ही बार पूछेंगे, बार बार नहीं पूछेंगे। तुम पढ़े लिखे कितने हो? तुम पढ़े लिखे हो? हाँ, हम तो बहुत पढ़े। हम ये पूछे थे कि मतलब तुम कुछ पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो? हम बहुत कुछ पढ़े, स्कूल जाके टाइम पास नहीं किए, कभी कभी नहीं किए। तो टाइम पास के लिए शादी कर रही हो? हाँ, आखिरी बार पूछ रहे हैं शादी करनी है कि नहीं करनी है। हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। ये लो।
गन ठाकुरों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, तुम्हें क्या लगता है हम डर जाएंगे? और नहीं तो क्या। तो फिर चलो ठीक है, डर गए, प्लीज हमें मत मारो। तुम अपने मुंह से बोलो कि हम तुमसे शादी करेंगे। हम तुमसे शादी करेंगे। हॉटेस्ट जोड़ी के नॉमिनीज हैं बेबो और अमृत, सबकी लाडली बेबो। रहने दीजिए, अच्छा लग रहा है। अक्षरा और नैतिक, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ईशान और सुहाना, ससुराल गेंदा फूल। रागिनी और रणवीर, सपना बाबुल का विदाई। सारी जन्नतें मेरे साथ हूं। प्रतिज्ञा और कृष्णा, मन की आवाज। प्रतिज्ञा, आई लव यू। आलेख और साधना, सपना बाबुल का विदाई। साधना चलो मेरे साथ। क्या हुआ मिस्टर जासूस, ये सब सुनकर तुम्हारी बत्ती गुल हो गई है, बहुत टेंशन में लग रहे हो। बहुत टेंशन में लेकिन अपने लिए नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं तुम्हें अपनी अगली खबर सुनाऊंगा तुम्हें कितना बड़ा शौक लगेगा। करिश्मा, कौन सी अगली खबर? खबर ये है कि 13 जून रात 8 बजे इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। जानते हो इस त्योहार में स्टार परिवार के सारे सदस्य, नए पुराने बूढ़े नौजवान, सबके सब एक साथ मिलकर बहुत बड़ा जश्न मनाने वाले हैं। मुझे ये भी पता है। लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा कि इस साल स्टार परिवार के यंग एंड ओल्ड जनरेशन दोनों स्टार परिवार के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे ये भी पता है। हाँ। लेकिन तुम्हें नहीं पता है तो पता कर लो। देखो, एक दशक बीत गया जब बाका आंचल थामे मैंने वीरानी परिवार में प्रवेश किया और इस परिवार की नींव रखी। स्टार परिवार सेलिब्रेशन हमारे आंखों के सामने शुरू हुआ। 10 साल पूरे करना एक इट्स अ माइलस्टोन, अपने आप में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। एक और इनिशिएटिव कि 10 साल के परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं। हम सबके लिए जो स्टार परिवार के सदस्य हैं, हमारे लिए तो सचमुच बहुत बड़ा त्यौहार है। पुराने कैरेक्टर्स और नए कैरेक्टर्स जो कभी साथ में एक साथ देखने को नहीं मिले, उन्हें साथ में देखने का मौका मिलने वाला है इस बार स्टार परिवार में। हर साल पिछले साल से बेहतर और ग्रैंड होता है। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि इस साल का जो समारोह होगा वो पिछले 9 सालों को कहीं पीछे छोड़ देगा और कहीं बड़ा होगा। हम जब स्टार परिवार में आते हैं, अपने गेटअप्स में आते हैं, और हम एक दूसरे के लिए आर्टिस्ट नहीं होते हैं, हम एक दूसरे के लिए हमारे को एक्टर या एक्वेंटेंट नहीं होते हैं, हम एक दूसरे के लिए एक रिश्ता होते हैं। तो ये ब्यूटी है स्टार परिवार की, इतना अपनापन जो है मेरे ख्याल से स्टार परिवार में ही है। मेरे परिवार ने अपनी नींव को आज भी बरकरार रखा है। मेरा भी परिवार और बड़ा हो गया। फेवरेट फैमिली के नॉमिनीज हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है फैमिली। ससुराल गेंदा फूल फैमिली। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल। सपना बाबुल का विदाई फैमिली। हमारी देवरानी फैमिली। मन की आवाज प्रतिज्ञा फैमिली। देखा देखा मानव। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन तुम ये मत भूलना कि जब ये सब हो रहा था तब मेरे खबरी भी वहीं आसपास ही थे। शाबाश, तुम्हारे खबरी हमसे काफी कुछ सीख रहे हैं। वेल डन। तुम भी ओवर स्मार्ट है, मेरे खबरियों के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे खबरी है जिन्होंने स्टार परिवार में चल रही हंसी खिठोली के माहौल को ढूंढ निकाला है। ये देखो केमा जी की, जरा आप निकल करके दिखाओगे प्लीज थोड़ी सी। नहीं, बादल ला बिगड़ गया,
कृष्णा अगर मेरे लिए कोई गाना गाता ना तो वो कुछ ऐसे गाता, आप लोग हंसना नहीं है, दिल दीवाना बिन सजन वाके मानत नाही। शायद ऐसे ही गाता। पूरा खानदान ही ऐसा है, चाहे हमारी बहन कोमल को ले लीजिए, उनका नाम है कोमल और सारे कर्म है कठोर। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, अब तुझे चूम लूं, अरे नारे बाबा ना, हाँ हम चले बन के हवा। मेरे सरदर्द की गोली खा, पीने के बाद बहुत चढ़ेगी सरदर्द होगा। प्लीज चैनल चेंज मत करेगा, मैं बहुत बुरा खाता हूँ। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। जैसे अंधेरा होता है तो लोग तीन चीज से डरते हैं, आग, पानी और तेजवानी। ये तो सब बाहरी बात है। अरे बाहरी मतलब? अरे असली खबरी वो होते हैं जो सामने वाले के मन में झांक ले। हाय, तो तुम्हारे खबरियों ने किसके मन में क्या झांक लिया है? अरे पैंटीन स्टार परिवार अवार्ड को लेकर किसके मन में क्या चल रहा है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, मैं जीतूंगा या नहीं, मैं जीतूंगी या नहीं, ये सब मन की बातें हैं। अच्छा, आई थिंक हमारी जोड़ी को हॉटेस्ट जोड़ी अवार्ड मिलना ही चाहिए। रणवीर और अग्नि और अंगद जो कि आलेख हैं और सारा, आई थिंक दोनों पेयर्स काफी अच्छे हैं। मेरी बहू को तो जीतना ही चाहिए, सर गुण सम्मान है, इनके बहू के तो घर में ही वोट कम है। तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मेरी बेटी जीतेगी जो इनकी बहू है तो भी मुझे खुशी होगी। क्योंकि हम लोग घर में उसको वोट नहीं दे रहे, अगर वहाँ वोट मिलेगा तो झोल है भाई। लेकिन ऑनेस्टली बोलना चाहूंगी कि कोई भी जीतता तो मुझे उतनी ही खुशी होगी जितना मैं जीतूंगी तब हो। पिछली बार भी मैं बेटी के लिए नॉमिनेट हुई थी और मैं जीत कर आई थी प्राइज, इस बार तो पता नहीं क्या होगा। मेरी तो अभी भी शादी हुई है तो पति अच्छा अवार्ड मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई थिंक काफी जो पति बने हुए हैं इतने सालों से, उन लोगों को अवार्ड दे देना चाहिए। शौर्य दादू तो है ही इतने अच्छे, नॉमिनेशन उनको मिलना ही था और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि वो नॉमिनेट हुए हैं बेस्ट भाई के लिए। अवार्ड के चक्कर में तो कहाँ रहे नहीं हम, हम तो खाली रिवार्ड के चक्कर में रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज, लोगों को इतना पसंद आ रहा है तब आप भी तो लेके आएगी हो ना, कि हमको कंसीडर कर रहे हो ना कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए। इतना लोग देख रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, यही सबसे बड़ा अवार्ड हुई है। सबसे पहली बात तो यही बात डिजर्विंग है कि मेरा परिवार नॉमिनेट हुआ है। खुशी की बात यह है कि मेरे सारे बच्चे नॉमिनेट हुए हैं और मैं सभी को सपोर्ट करूंगी क्योंकि सभी डिजर्व करते हैं। ये तो थी मन की बात, अब दिल की बात। बस बस बस, क्या तुम जानती और 24 कैटेगरीज हैं जिनकी हार जीत का फैसला करेगी एक स्पेशल जूरी, और उस जूरी में कौन कौन है जानती है? अगर तुम बताना चाहो तो, या अभी भी तुम्हारा मूड नहीं है? मूड बिल्कुल है, मूड तो उसी दिन बन गया था जिस दिन मैं जूरी से मिलने गया था पर्सनली। Sorry, we'll have to pause it. Hello. Hi, what's up? So can I sit down and chat with you for a little while? Yeah, sure. Please. Yeah. ये जो स्टार अवार्ड्स हैं, वो और अवार्ड्स से different कैसे हैं? मुझे लगता है जब आपके परिजन बैठकर आपको आंकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तब कहीं ना कहीं उलझन होती है क्योंकि आपका अपना परिवार है तो आप कितने लिबरल हो सकते हैं। परिवार में जब तक एक सदस्य जीते तब तक जीत पूरे परिवार की। एब्सोल्युटली, एज लॉन्ग एज अपने आप से खुश हो, अच्छा काम करते हो, आप तो जीतते ही रहोगे। रौनक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नई पीढ़ी को आपको जज करना है तो इस जिम्मेदारी को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देयर इज नॉट टू मच ऑफ चेंज इन पैटर्न बट द पैरामीटर्स सो टू से हैव नॉट चेंज्ड टू मच। जिस दिन स्टार प्लस हिंदी में शुरू हुआ था उस पहले दिन जो पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था वो मेरे निर्देशन का था, इसलिए मुझे खुशी है कि मैं स्टार परिवार से मेरे ख्याल से शुरुआत से जुड़ा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखा, ये होती है असली खबर और इसे ढूंढने के लिए एक असली खबरी की जरूरत होती है। ठीक है ठीक है, लेकिन अब मैं खबरियों के भरोसे नहीं रहने वाली हूँ, अब मैं खुद पता लगाऊंगी कि त्योहारों के त्योहार में क्या चल रहा है। वाह, ये जोश मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, और अब मैं तुमसे चैलेंज करती हूँ कि मैं तुमसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और चटपटी खबर निकालूंगी। चैलेंज? चैलेंज वैलेंज मत करना, बहुत भारी पड़ जाएगा। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ।